बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना घर खुशी संपत्ति में नहीं होती और सोने में नहीं, खुशी आत्मा में बसती है। गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, वास्तुकार ने कहा। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, राम ने कहा। तुम सीधे ही 3री मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नीम के बिना वह घर नहीं बना सकता था, फलतः वह घर कभी न बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।